अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसे हैं सारे? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? ठीक अल्लाह का शुक्र। अच्छा बच्चों, मैं ना आप लोगों के साथ दो लिंक्स मेल पे शेयर कर रही हूँ, आप लोग उसको देखो। उतनी देर में मैं ना बस 5 मिनट में मैं अपना खाना फिनिश करके आती हूँ, बस 5 मिनट का टाइम दे दो और उतनी देर ये देखो और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? लेक्चर के एंड पे कोई मसला नहीं। आराम से खा लो। ओके मैम। मैंने आप लोगों को दो लिंक्स शेयर किए हैं, इसको आप जरा ध्यान से देखो और इसको समझने की कोशिश करो।
क्योंकि मुझे उस तरह से आइडिया नहीं हो रहा था कि मैं आप लोगों को किस तरह से एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकली अगर करके दिखाया जाए तो फिर ही ज्यादा आसानी होती है। तो आप लोग ये देखो, मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ। ओके मैम।
हाँ जी बच्चों, देख ली वीडियो आप लोगों ने? सॉरी मुझे थोड़ा टाइम लग गया। मैम देख रही हूँ मैम, किसको समझ नहीं आई वीडियो के? हाँ कौन बोल रहा था अभी कि उसको वीडियो की समझ नहीं आई? मैम अभी थोड़ी सी रहती है। अच्छा चलो, देख ली अभी या एंड पे थोड़ा सा वेट कर ले, मैं उतनी देर बाकी आपका कंप्लीट करवा दूँ? ठीक यस मैम, करवा लें आप। है ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब पहले हम वो ड्यूरेशन और ये सारी चीज़ें देख रहे थे कि हमने जो असेसमेंट करनी है पेशेंट की वो किस तरह से करनी है, एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं या जो है वो प्राइमरी डिजीज़ है। उसमें हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है पोलियूरिया। इसमें जो है वो आप पेशेंट से ड्यूरेशन पूछोगे, उसको ये कब से है। आपने ड्यूरेशन इसमें ये नहीं कंसिडर करनी कि उसको जो है कितनी दफ़ा जो है वो यूरिनेशन की जो है वो अर्ज हो रही है, बल्कि आपने उससे ड्यूरेशन पूछनी है कि कितने दिनों से हो रही है। ठीक है, इट शुड बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन इन पोलीयूरिया। क्वांटिटी ऑफ यूरिन पास्ट ईच टाइम इज लार्ज वाइल इन फ्रीक्वेंसी इट इज स्मॉल। अच्छा, अब पोलीयूरिया जो है वो मेनली इसको इस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि इसमें जो है वो यूरिन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, ये नहीं हो रहा कि हर आधे 1 घंटे बाद या 1 घंटे बाद या 15 मिनट बाद जो है वो पेशेंट को जो है वो यूरिनेशन की अर्ज हो रही है। उसके बाद इसका डायरेक्ट लिंक जो है वो एक्सेसिव थर्स्ट से भी है, जिसको हम पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब किसी को आइडिया है कि किस में कि किन पेशेंट में जो है ये वो जो है वो ऑब्जर्व की जाती हैं ये वाली कंडीशंस, पोलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया? मैम डायबिटीज के पेशेंट में जी बिल्कुल, डायबिटिक जो होते हैं उनमें मोस्टली जो है वो ये कंडीशन जो है वो ऑब्जर्व की जाती है। फिर उसके बाद जो है इससे रिलेटेड हम उनसे एपेटाइट के बारे में पूछेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हो सकता है। हाइपरटेंशन में बेटे एज सच नहीं, हाइपरटेंशन में नहीं, हाइपरटेंशन की जो है ये वो मेन सिम्टम्स नहीं है। ये जो बेसिकली जो है ये मेन जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स में ऑब्जर्व किए जाते हैं। उसके बाद आ जाती है एपेटाइट। अब अगर जाहिर सी बात है कि कोई डायबिटिक है और जैसे अभी उसको डायग्नोज नहीं हुई फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसको जो है वो भूख ज़्यादा लगती है। अब भूख ज़्यादा लगने के पीछे जो है वो क्या उसकी रीज़न होती है, वो ये होती है कि जब उसके उसको सेलुलर लेवल पे जो है वो ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा, या उसको ग्लूकोज की सप्लाई जो है वो उसकी प्रॉपर नहीं जा रही, तो उसकी वजह से जो है उसकी एपेटाइट इंक्रीज रहेगी। हिस्ट्री ऑफ डायूरेटिक इनटेक, फिर आप जो है वो ये पूछोगे कि डायूरेटिक जो है वो मेडिसिन की फॉर्म में ले रहा था या कोई इस तरह की जैसे डायूरेटिक वो होती हैं रेमिडीज होती हैं वो तो नहीं कोई यूज़ कर रहा। उसके बाद आ जाता है इज इट मोर एट नाइट, नॉक्टूरिया इसको बोलते हैं। और फिर उसका जो है वो पोलियूरिया के लिए जो है वो आप उसका टेस्ट
टाइम ऑफ द डे भी पूछोगे, ठीक है, कि वो रात में उनको ज़्यादा होता है या शाम में या सुबह में, तो ये चीज़ जो है वो आपने उनसे क्लियर करनी है पेशेंट के साथ, ठीक है। हेमेटोयूरिया होता है एक के जब आपको यूरिन के साथ जो है वो ब्लड पास हो रहा हो, तो उसको हेमेटोयूरिया बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो इसमें, अच्छा अब जो इसके साथ मैम, ये जी डायबिटीज के पेशेंट में होगा हिमेटोयूरिया भी? किन पेशेंट्स में बेटे? डायबिटीज के पेशेंट में ज्यादा होगा ये भी? नहीं, चांसेस हैं लेकिन कॉमन उनमें नहीं होगा। जिनको यूटीआई का प्रॉब्लम होता है उनमें ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन हो रही होती है यूटीआई जो ट्रैक्ट होता है, तो उसकी वजह से जो है वो जो जब वो सीवियर कंडीशन में हो तो फिर उसमें जो है वो यूरिन के साथ ब्लड पास हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है फिट्स। फिट्स में जो है वो अब आपने उसका पूछना है कि किस लाइक ऑरा में जो है वो, सबसे पहले तो आप उसकी एज पूछोगे कि जो फर्स्ट अटैक था उसमें जो है वो उसकी एज क्या थी पेशेंट की, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है अटैक की जो आप सिचुएशन है वो, या तो आप आई विटनेस से पूछोगे, या अगर पेशेंट इतना वो है उस टाइम अगर वो इतना सा कॉन्शियसनेस में रहा है कि वो कुछ एक्सप्लेन कर सके तो आप उससे भी पूछोगे, ठीक है। उसमें आ जाता है ऑरा, आ जाता है एनी स्पेशल फीलिंग और सिम्टम्स बिफोर द फिट। ऑरा मतलब ये होगा कि उस लाइक कोई सर्टेन सिचुएशन थी जिसकी वजह से उसको ऐसा फील हुआ, जैसे अगर आप कह लो कि सपोज, एग्जांपल दे रही हूँ मैं सिर्फ, ये इसका इससे कोई वो है नहीं, लेकिन इसकी जो है ऑरा की आपको एक चीज़ वो क्लियर हो जाए। जैसे अगर कोई किसी की प्रेजेंटेशन होने लगी है या जॉब इंटरव्यू है, तो उससे पहले जो है वो वाली सिचुएशन जो है वो कह लो कि पैनिक अटैक के लिए या स्वेयर एंजाइटी के लिए जो है वो उसका ऑरा होगा। तो इसी तरह से जो है फिट से पहले की सिचुएशन जो है वो आप पेशेंट से पूछोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये देखोगे कि वो कॉन्शियस रहा था या अनकॉन्शियस हो गया था। फिर उसमें ये आ जाता है रिजिडिटी में, ये आ जाता है कि लाइक अगर वो कोई इस तरह का शॉकिंग सिचुएशन है तो वो पेशेंट जो है वो रिजिड हो जाएगा, लाइक उसकी जो बॉडी मूवमेंट है वो नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद है जी, ड्यूरेशन पूछोगे, आफ्टर सिम्टम्स जो है वो पूछोगे, स्लीप, हेडेक, पैरालिसिस। फिर जो है ये पूछोगे कि अटैक्स जो है वो सोते वक्त में होते हैं या जो है वो नॉर्मल अगर आप डेली रूटीन का कोई काम कर रहे हो उसकी उस ड्यूरेशन में हो रहे हैं, ठीक है। फिट्स जो है वो जनरलाइज्ड हैं या लोकलाइज्ड। अब जनरलाइज्ड और लोकलाइज्ड में जो है इसका डिफरेंस, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर लिखा था, मैं आप लोगों को थोड़ा देख कर एक्सप्लेन करती हूँ, मेरे माइंड से निकल गया क्योंकि मैंने लेक्चर पहले प्रिपेयर किया था आपका। अच्छा जी, जनरलाइज्ड और लोकलाइज्ड में जो है वो ब्रेन का पार्ट जो है वो कंसिडर होता है। इसमें जो है अगर तो जनरलाइज्ड है तो उसमें जो है वो पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस होगा, और अगर लोकलाइज्ड है तो उसमें जो है वो ब्रेन का जो है वो एक पार्ट जो है वो उसको जो है वो इम्पैक्ट करेगा जो फिट्स होंगे, ठीक है। फिर टंग बाइट हो सकती है, यूरिनरी फिकल इनकॉन्टिनेंस, लाइक जो कह लो कि यूरिन या स्टूल पास करने की जो उस ड्यूरेशन में जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है चीज़, टंग बाइट जो है वो अनकॉन्शियसली हो सकती है। फॉल, ट्रॉमा, लाइक अगर ऑब्वियसली अगर कोई जो है वो लाइक क्या कहते हैं उसको, अनकॉन्शियस हो रहा है पेशेंट, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली वो गिरेगा, उसको फिर चोट किस बॉडी पार्ट पर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है।
उसके बाद जो है उसके अलावा जो आप जो चीज़ें पूछोगे, व्हाट हैज़ बीन द शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट इंटरवल बिटवीन द अटैक्स, मतलब सबसे 2 फिट्स के दरमियान में जो है वो शॉर्टेस्ट टाइम स्पेन क्या था और लॉन्गेस्ट टाइम स्पेन क्या था, ये आप पूछोगे। हिस्ट्री पूछोगे आप उससे। मैम मेमोरी लॉस भी हो सकती है। जी ऑब्वियसली मेमोरी लॉस। जी जी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं, लेकिन जो है वो मेमोरी पे इम्पेक्ट हो सकता है पेशेंट को, अगर तो उसको गिरने से जो है वो हेड इंजरी अगर ऐसी जगह पर हुई है तो वो ऑब्वियसली उसकी फर्दर जब एग्जामिनेशन होगी तो फिर उसके बाद जो है वो डायग्नोज होगा, लेकिन ये है कि चांसेस होते हैं जिनको फिट्स पड़ते हैं या वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं या जिसमें जो मतलब मैम इसकी हिस्ट्री में हम इनके इनके स्ट्रोक के बारे में पूछ सकते हैं, मतलब इनकी हिस्ट्री के कहीं स्ट्रोक वगैरह फालिज का अटैक वगैरह कभी हुआ हो इनको, ये भी पूछ सकते हैं हिस्ट्री में। ये फिट्स जो है ना मोस्टली कह लो कि चाइल्डहुड से ही जो है वो देखे जाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है स्ट्रोक आप एज सच नहीं कह सकते कि स्ट्रोक का इसमें कोई रोल होगा या नहीं, ठीक है। ठीक है मैम। फिट्स जो है वो मेनली आपका जो कंसर्न बॉडी पार्ट होता है वो ब्रेन होता है फिट्स के लिए। ठीक है। हेडेक की हिस्ट्री पूछोगे, वॉमिटिंग की, और जो है सेंसरी और मोटर सिम्टम्स पूछोगे उसके, लाइक जो है मूवमेंट के और सेंसेशंस की जो है वो चीज़ें उससे पूछोगे। एयर डिस्चार्ज, हेड इंजरी और बर्थ ट्रॉमा की हिस्ट्री के बारे में पूछोगे आप लोग। उसके बाद है वीकनेस और पैरालिसिस। अब उसमें जो है वीकनेस या पैरालिसिस जो है, अगर तो वो जो है पैरालिसिस अटैक जो है अगर तो वो ग्रेजुअल होता है, तो वो ऐसे होता है ना कि मतलब जैसे अभी जो फर्स्ट अटैक था उसमें जो है वो बॉडी की एक साइड पे इम्पैक्ट किया है या कह लो कि एक जो है वो लिम्ब पर इम्पैक्ट हुआ है उसका, तो इसके लिए जो है वो मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया एंड पैराप्लेजिया जो है वो टर्म्स उन्होंने यूज़ किए हैं कि अगर तो सिंगल लिम्ब इन्वॉल्व है तो उसको मोनो बोलेंगे, अगर दोनों अगर दोनों लिम्स की सिर्फ एक साइड है तो उसको हेमीप्लेजिया बोलेंगे, और अगर दोनों लिम्स जो हैं वो कंप्लीटली हैं तो उसको पैराप्लेजिया बोलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट में जो है वो वीकनेस जो है वो पेशेंट को ओवरऑल फील हो रही है या किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में, लाइक लिम्स के अलावा किसी बॉडी पार्ट में हो रहा है। फिर उसके बाद ऑनसेट पे आ जाओगे, जैसे अभी मैंने आपको पहले बोला कि सडन है या ग्रेजुअल है। सडन जो है वो इस केस में हो सकता है कि कह लो कि जैसे अगर किसी को हाइपरटेंशन जो है वो लाइक ब्लड प्रेशर शूट कर गया या कोई स्ट्रोक हुआ है तो उसकी वजह से जो है वो सडन होगा उसका ऑनसेट। और उसके बाद जो है ग्रेजुअल जो है वो उन लोगों में होगा कि जिनको कोई लोकोमोटर डिजीज़ हो गई है या कोई ब्रेन का ऐसा पार्ट उनका जो है वो इम्पैक्ट हुआ है किसी डिजीज़ की वजह से, तो वो जो है वो ग्रेजुअल होगा। फिर अब ये स्टैटिक है या प्रोग्रेसिव है, अब ये जितना टाइम ड्यूरेशन हो गया है ये, लाइक अगर किसी को 1 साल पहले हुआ था, सपोज उसको एक जो लिम्ब है उसमें हुआ था पैरालिसिस अटैक, तो उसके बाद वो स्टेबल रहा है या जो है वो प्रोग्रेस हुआ है, ठीक हो गया। प्री मॉनिटरी सिम्टम्स में अगेन आपके पास हेडेक और वॉमिटिंग है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, फिट्स आ गए इसमें। उसके बाद ये है कि स्पीच का इस पर क्या इम्पैक्ट हुआ है। सेंसरी सिम्टम्स, अच्छा अब ऑब्वियसली जब पैरालिसिस होता है तो आपकी जो है वो स्पीच जो होती है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट होता है उसका, ठीक है। फिर उसके बाद सेंसरी सिम्टम्स में आ जाती है नमनेस आ जाती है, टिंगलिंग आ जाती है, पेन आ जाती है या ब्लर वियन हो जाता है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं। अभी जैसे सडन और ग्रेजुअल वाली बात कर रहे थे हम, इसमें हाइपरटेंशन आ गया, कोई हार्ट डिजीज़ है, सीवीडी का है अगर किसी कोई पेशेंट, या जो है डायबिटिक है तो उसमें जो है ये ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई डायबिटिक है तो वो हाइपरटेंसिव भी होगा, और हाइपरटेंसिव है तो कभी जो है वो मोस्टली पेशेंट्स की अगर अनकंट्रोल्ड और अनमोनिटर्ड होती हैं वैल्यूज़ तो उसमें जो है इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व होती है। फिर आ जाता है जी हेडेक। हेडेक में जो है आप उसकी सबसे पहले साइट पूछोगे, सिवेरिटी पूछोगे, ड्यूरेशन पूछोगे, कॉन्टीन्यूस है या कभी कभी होता है। जैसे अभी मैंने आपको पहले भी ये चीज़ डिस्कस करते हुए बताया था कि माइग्रेन जो है वो स्पेसिफिक टाइम्स पे होता है, अगर साइनसाइटिस से रिलेटेड है तो वो सुबह जो जब आप उठते हो तो उसमें जो है वो
पीक आवर्स होते हैं उसके, इसमें भी जो है। और फिर ये एक हेडेक में साथ एसोसिएटेड फिनोमिना जो है वो वॉमिटिंग विजुअल हॉलोज राइनोरिया, राइनोरिया बोलते हैं रनी नोज को, ठीक है, जैसे फ्लू लाइक सिम्टम होता है। अब ज़रूरी किसी को जो है अगर कोई ब्रेन का प्रॉब्लम है या जैसे कह लो कि अगर उसकी कोई सर्जरी हुई है उससे रिलेटेड, तो कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लूइड लाइक जो है सिक्रीशन कह लो या वाटर लाइक जो है वो उसकी नोज़ में से होती है, ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। या जो है वो हेडेक जो है वो फीवर की वजह से भी हो सकती है, तो भी ऑब्वियसली उसमें जो है ये रनी नोज़ का आ जाएगा। अगर किसी को स्लीप वेक साइकिल की डिस्टर्बेंस है या इंसोम्निया है, तो उसकी वजह से भी उसको हेडेक रहेगी। एंजाइटी डिप्रेशन, इसमें भी जो है वो, अब ऑब्वियसली इंसोम्निया एंजाइटी और डिप्रेशन जो है वो इंटर रिलेटेड हैं। इंसोम्निया कह लो या हाइपोसोम्निया कह लो, जिसमें जो है वो नींद की जो है वो टाइम ड्यूरेशन जो है वो एक्सटेंडेड होता है। उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास जॉइंट पेन। जॉइंट पेन में भी जो है वो आप उससे पूछोगे कि सबसे पहले जो है वो आपको किस एज में जो है वो जॉइंट पेन स्टार्ट फील होना जो है वो स्टार्ट हुआ था, किस जॉइंट में आपको सबसे पहले जो है वो फील हुआ था पेन। फिर उसके बाद आ जाएगा जी व्हाट वाज द सीक्वेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर जॉइंट्स। फिर ये देखोगे कि अब जो जॉइंट पेन जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये जो है ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है और ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो ऑब्वियसली इसमें जो है वो ग्रेजुअली आपके सारे जो जॉइंट्स हैं वो इन्वॉल्व होते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आइज़ का भी आपको पहले ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कोई भी होता है या डिजीज़ होती है, तो उसमें जो है वो आपकी पूरी बॉडी का जो है उस पर इम्पैक्ट होता है। तो इसी तरह से ड्राई आइज़ और ये वाली चीज़ें भी जो है कैटेरेक्ट, ये मैंने आपको जो है वो इसमें एक्सप्लेन की थी। फिर जो है स्वेलिंग हो सकती है, रिलेशन ऑफ पेन विद मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स, ये भी मैंने आपको बताया था कि ऑब्वियसली अगर किसी को आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो ऑब्वियसली जो है वो जॉइंट मूवमेंट जो है उसकी, या लाइक अगर आप उसको कोई एक्सरसाइज इस तरह की बताते हो या वॉक जो है वो ज़्यादा करता है, तो ऑब्वियसली उसके जो जॉइंट्स पेन है वो स्वेयर होती जाएगी, ठीक है। पास्ट हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा टू द जॉइंट्स, अब किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ है या जो है फ्रैक्चर हुआ है किसी बोन का, तो वो जो है लाइफ लॉन्ग जो है वो आपकी पेन रहती है, उसमें जो सिम्टम्स आपको वो उसके आते रहते हैं जॉइंट पेन के, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ यूरिनरी बाउल और आई प्रॉब्लम्स, अगर इनका जो है मेन जो है वो इस तरह से इसके साथ कनेक्शन होगा कि जैसे अब जो है वो यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाए, तो उसका जो है वो जॉइंट पेन जो है वो उसमें ज़्यादा शुरू हो जाती है। तो अगर किसी को जो है वो यूरिन से रिलेटेड कोई इशू रहा है या बाउल डिजीज़ है कोई, तो उसमें जो है वो जॉइंट पेन का जो है वो डायरेक्ट लिंक होता है उससे कि आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं अगर वो सही तरह से एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहे, तो वो बॉडी में जो उनकी डिपोजिशन स्टार्ट होती है, तो उसकी वजह से जो है वो जॉइंट पेन हो सकती है। अच्छा जी, अब जो है हमारा सिर्फ एक लास्ट पॉइंट रह गया है, जिसमें आप लोगों ने जो है वो नेल्स और फिंगर्स की जो है वो एसोसिएटेड या कह लो के उसको फिजिकली आप जो है वो कैसे जो है आइडेंटिफाई करोगे, वो मैं चीज़ें आपको दिखा देती हूँ, मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर की थी। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अच्छा, और एक चीज़ और मैं जो बताना भूल गई, कौन बच्चा उस दिन मुझसे IBS और IBD डिस्कस कर रहा था, वो प्लीज़ ज़रा। मैं कर रहा था लास्ट टाइम। हाँ, IBS और IBD का जो है वो मैंने दोबारा देखा था। मैंने जो है ना सिंड्रोम, वैसे तो ये होता है कि कलेक्टिव जो सिम्टम्स होते हैं ना मोर देन 2 or 3, उसको सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो IBS की मैंने आपको सिम्टम्स बताए थे वो IBD के हैं और IBD वाले IBS के हैं, ठीक है। Yes, ma'am. IBD में जो है वो क्रॉन्स डिजीज भी इन्वॉल्व होती है, ये जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लोअर पार्ट होता है इस ये, और कोलोन जो है वो इन्वॉल्व होता है ये, और जो ब्लड भी आता है ये भी IBD में होता है, IBS में नहीं होता। मैंने ऑपोजिट आपको सेंटेंस बताया। यस मैम, ऑपोजिट बताया था जी।
अच्छा जी, अब हम स्लाइड्स देख लेते हैं। अब ये जिस तरह से मैंने स्लाइड्स बनाई है ना, इसी तरह जो है वाइवा में भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप जो है वो किसी चीज को आइडेंटिफाई करो। वैसे तो ये सारी चीजें हमने एक्सप्लेन डिस्कस कर ली हुई है पहले भी, लेकिन अब मैं आपको जो है वो पिक्चर्स दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो चीजें क्लियर हो जाएं। यस मैम। अब तो नहीं है किसी को प्रेजेंटेशन में कोई कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम? बच्चों बोलो तो सही। यस मैम। यस मैम। नो मैम, कोई इशू नहीं है अब। ठीक है। अच्छा, और वो किसी बच्चे ने मुझे मेल की थी कि उसको जो है वो अकेले प्रेजेंटेशन देनी है, कौन है वो बच्चा? मैम मैं क्यों आपने अकेले क्यों देनी है प्रेजेंटेशन? मैम क्योंकि मुझे कोई दूसरा बच्चा मिला नहीं। बेटे आपका उस लिस्ट में नाम नहीं है, नहीं मैम। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैम मैंने आपको मेल की थी। आपने मुझे ये मेल की थी कि मैं आपको अकेले प्रेजेंटेशन दे दूं, आपने मुझे ये तो नहीं पूछा कि मेरी जो है वो पेयरिंग नहीं हुई। यस मैम। मैंने मेल देखी थी तो ही आपसे पूछ रही हूँ ना। यस मैम। हाँ जी, तो बाकी सारे बच्चों के जो हैं वो उसमें पेयरिंग हो गई हुई है। जी मैम। जी मैम। मैम एक स्टूडेंट ने आपके साथ करनी है। नहीं, उसकी भी मैंने जो है वो अब्दुल रहमान के साथ कर दी थी पेयरिंग। उसकी भी मुझे मेल आई थी कि मैम मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, तो मैंने उसको कहा था कि आप जो है वो उसके साथ कर लो। अच्छा मैम, जाहिद जी बेटे, वालेकुम अस्सलाम। एक लड़की है, मैं इनको उनके खाते में बना देती हूँ। ठीक है बेटे, आप अगर ताहिर का रहमान के खाते है ना, तो मैं इनका पेड़ एक लड़की के साथ बना देती हूँ। ठीक है, आप इनका उनके साथ कर दो। और नूर बच्चे, आप जो है ना, जिन बच्चों ने सिर्फ, वैसे तो मैंने लिस्ट सबको फॉरवर्ड कर दी है, लेकिन आप इनसे जो है वो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है या जहाँ पर भी आप लोग जो है आपस में कांटेक्ट करते हो, वहाँ पे इनसे बोल दो कि अगर डायबिटीज जो है वो 3-4 बच्चों की थी तो वो साथ में जो है वो सिम्टम्स भी मेंशन करें, वरना इनके मार्क्स कटेंगे। ठीक ओके। अच्छा बच्चों, आप लोगों का जो है वो मिड कब है, फर्स्ट मिड जो है? मैडम, 5th of July। 5 जुलाई। 5 जुलाई। अच्छा, ऐसा पॉसिबल है कि आप लोग जो हो वो मुझे नेक्स्ट वीक जो है ऑन कैंपस प्रेजेंटेशंस दे दो, एक ही दिन में फारिग कर दूंगी मैं आप लोगों को। यस मैम, ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है मैम, मैं आप टाइम बता दें। हाँ, मैं टाइम आप लोगों को बता देती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, और मंडे नो मेरा ऑफ मैम, है। कौन है ये नो वाला बच्चा? मैम एक दिन सब हाँ जी मैम सब। उनके मैम जो हॉस्टल लाइट्स हैं वो तो अभी नहीं है वहाँ यूनिवर्सिटी। हम जा हाँ मैम। यस मैम। बेटे अभी जो है आपके पास 2-3 दिन का टाइम है, मैं चाह रही हूँ कि आप लोग जो है वो मिड्स देने से पहले इस चीज से फ्री हो जाओ। मैंने इसीलिए जो है वो लॉग बुक का भी आ गया था, तो मैंने आप लोगों को फॉरन से जो है वो आज चेंज कर दिया था कि जिस दिन वाइवा होगा उसी दिन ले आना आप लोग। वैसे तो ये बहुत बुरी बात है, आप लोगों ने मुझे साथ साथ जो है वो काम करके अपडेट नहीं दी, लेकिन खैर अब जो है प्रेजेंटेशन मुझे ऑन कैंपस दे दो। मैम, जिनकी दोनों डोजें नहीं लगी वैक्सीन की, वो क्या करें? अब यूनिवर्सिटी आने दे रहे हैं? क्लास में नहीं बैठने दे रहे मैम? हमारे मैम आप ऐसे ऑनलाइन ही ले लें। मैम बैठने देंगी? यस मैम, मैम आप ऑनलाइन ही ले लें। मैम पॉइंट आप दोनों ऑनलाइन ही को ले लें। ले यस मैम, एक बच्चा बोले ऑनलाइन ऑनलाइन ही ले लें। हाँ, एक एक वक्त में एक बच्चा बोले कान मेरे दो ही हैं।
मैम जिनको अलाउ है वो आके कैंपस में दे दें, जिनको नहीं अलाउ है वो उनके आप ऑनलाइन ले लें। अच्छा जिन बच्चों की सेकंड डोज नहीं हुई वो उनकी मिड्स तक हो जाएगी, 5th जुलाई तक हो जाएगी सेकंड? यस मैम, मिड ऑफ जुलाई तक हो जाएगी। मिड ऑफ जुलाई। अच्छा मुझे फिर ऐसा करो कि मैं ना मैम जो बच्चे आप लोगों के अगर पास दे सकते हैं वो आकर दे देंगे और जो ऑनलाइन देना चाहते हैं वो ऑनलाइन दे दें, आप इस तरह कर लें। नहीं मैं ये चाह रही हूँ कि अगर आप लोग जो है वो ऑन कैंपस दोगे ना प्रेजेंटेशंस तो फिर बाकी बच्चों के भी जिनके ऑब्वियसली जिनको कोई पॉइंट्स नहीं क्लियर होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे क्योंकि कोर्स तो हमारा कवर हो गया है। हाँ तो हॉस्टलाइट मुझे जो है वो, अच्छा हॉस्टलाइट्स ने कब आना है? मैम आएंगे जी मैम, हम नहीं आ सकते इतने दिन पहले। मैम आप हॉस्टलाइट का ऑनलाइन ही ले ले मैम, ये हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा, हम इतनी दूर से कैसे आए अब इतनी जल्दी। अच्छा हॉस्टलाइट ही बच्चों में 5 मिनट के अंदर अंदर तो नहीं पहुँचने का कह रही, इतनी जल्दी 1 मिनट बात तो सुन लो आप लोग। जी जी मैम हम 30 तक आ जाएंगे और आप 30 के बाद रख लें फिर 30 तक, तो मैम मुझे लगता है सभी बच्चे हॉस्टल लाइट वाले आ जाएंगे क्योंकि 5 को तो पेपर शुरू हो रहे हैं। जी अच्छा फिर ऐसा करो कि 1st को दे दो मुझे, मेरा जो थर्सडे है वो फ्री डे है तो आप लोग आ जाओ उस दिन, हम सारा दिन जो है वो प्रेजेंटेशंस कर लेंगे, आप लोग भी फ्री हो जाओगे। चलो ठीक है, अब हॉस्टलाइट वाले बच्चों के पास इतना फॉरेन का तो नहीं है ना टाइम। मैम सारा दिन वो प्रेजेंटेशन चलेगी क्योंकि नहीं जिसकी हो जाएगी वो चला जाए। मैम ठीक है, ठीक है ना, ठीक है थर्सडे को रख लें। यस मैम मानो बच्चे ठीक कर रहे हैं। फिर मैम वैक्सीन तो मसला नहीं होगा? अब वैक्सीन का किसका मसला है मैम, जिनकी पहली अभी हमें फर्स्ट डोज लगी है वो क्या करें मैम? वैक्सीन तो भी डिपार्टमेंट कह रहा है कि पूरी वैक्सीनेशन के साथ आए। मैम कोई भी नहीं पूछता यूनिवर्सिटी में कौन। मैम बच्चे क्लासेस ले रहे हैं फर्स्ट डोज के बाद लें। मैम पूछते हैं यूनिवर्सिटी वाले, ये तो है पूछते तो है लेकिन मैम अच्छा चले रहे हैं बच्चे क्लासेस। हाँ ले तो रहे हैं, हाइब्रिड मोड है ऑनलाइन और ऑन कैंपस दोनों के ऑप्शन होते हैं। यस मैम लेकिन मैम पूरी क्लास एट अ टाइम दो जगह कैसे हो सकती, फिर जिन्होंने मुझे ऑनलाइन देनी है वो मुझे मंडे को देते हैं, फिर सॉरी ट्यूसडे को, ट्यूसडे को मुझे ऑनलाइन दो और थर्सडे को जो है वो। अभी जो है ठीक है, मुझे अभी जो है वो अपने नेम्स लिखवाओ जो ऑनलाइन वाले हैं, और अगर सारी आवाम ऑनलाइन में आ गई ना तो फिर मैंने सारों की ऑन कैंपस कर देनी है। आयशा हसन और अरीज रबानी मैम। मैम आमना मार्बट। बेटे एक मिनट, मैंने तो अभी पेंसिल पेपर भी नहीं पकड़ा। जी खतीजा बेटे आपका क्या है? आपको कोई एक बच्चा मेल कर देता है सबके नाम लिख के, उस बच्चे को फिर कोई तंग ना करे, उसको आराम से जो है वो अपने चीजें जो है वो उसको बता दे जो मैं आप लोगों को भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाँ जी खतीजा बच्चे आपका क्या है? मैम ऑनलाइन। अच्छा ठीक है। मैम आयशा हसन नहीं, आप लोग मेल कर रहे हो ना अभी, मैं नहीं लिख रही। मैम अभी मेल कर रही। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, एक बच्चे को मेल कर दो और वो जो है वो मुझे फाइल भेज दे। ओके मैम ओके। अच्छा अब मैं आप लोगों को स्लाइड्स दिखा देती हूँ, फिर जो है उसके बाद आप लोग फ्री हो, फ्री नहीं हो बल्कि अभी आपने मुझे वो भी बताना है जो मैंने वीडियो शेयर की थी। मैम जी बेटे। मैम सिर्फ ऑन कैंप ऑनलाइन वाले बताएं मेल में या फिर ऑन कैंपस वाले भी बता दें? किसी एक बच्चे को आप लोग जो है वो अपना सारा नोट डाउन करवा दो, ठीक है फिर उसके बाद मैं देख लूंगी, अगर तो ऑन कैंपस वाले बच्चे कम हुए
तो फिर मैं सबकी ऑनलाइन लूंगी और ट्यूसडे को स्टार्ट होंगी. ओके मैम. मैम दोनों से लिस्ट के आगे लिख देगी ऑनलाइन कौन से और ऑन कैंपस कौन से है. ठीक है ठीक है. और नूर बच्चे मुझे ना वो लिस्ट भी फाइनल कर देना, क्योंकि जाहिद जो है उसकी भी मैंने अब्दुल रहमान के साथ पेयरिंग की थी, और उसके अलावा अभी भी एक बच्ची बोली थी जो वो कह रही थी कि उसकी भी पेयरिंग नहीं हुई. ठीक है. जी मैम. जी मैम. जी बेटा. जी मैम, वो जो ऑनलाइन होंगी प्रेजेंटेशन तो वो लिस्ट के अकॉर्डिंग होंगी ना, तो फिर ट्यूसडे को सारी तो नहीं होंगी फिर. नहीं बैठो और ट्यूसडे को ही मुझे फारिग करो और खुद भी फारिग हो. मैम हमारी ट्यूसडे को चार क्लासेस होती हैं. किस मैम जब तीन क्लासेस होती हैं. मैम सारा दिन क्लास होती है. मैम सारा दिन क्लास होती है. यस मैम. एक बच्चे को यस मैम बोलता, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुन रही. मैम आप वेंसडे को रख लें, उस दिन सबकी एक दिन में ले लें. ट्यूसडे को मेरी सुबह 8 से रात 8 बजे तक क्लासेस चलती हैं. हमारी वेडनेसडे को भी दो क्लासेस होती हैं. मैम ट्यूसडे दो क्लासेस होती हैं. मैम आप थर्सडे को रख लें ऑनलाइन भी प्लीज. दो दिन डिवाइड करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि हमारी क्लासेस होती हैं करने पड़ेंगे. क्योंकि मैम संडे को रख लें, क्योंकि जिन बच्चों का वेडनेसडे बिजी है वो. मुझे पता है इतने जमानों के बाद जो है ना वो डबल. मैम संडे को सब फ्री होते हैं. मैं ना छुट्टी लूं मत जाऊं मैं. मैम वैसे आपने जैसे पहले रखा हुआ था वैसे सही था. मुझे आप लोगों की क्लास भी भूल गई है. फ्राइडे को होती है और ट्यूसडे को होती है ना. यस मैम. मैम आप ऐसा करें, आप थर्सडे को भी रख लें और वेडनेसडे को भी रख लें. फिर जिस चीज को जो कन्वीनियंट लगा वो वैसे ले लेगा. जैसे हम हॉस्टल लाइट्स हैं, हमने भी अगर देनी हुई तो हम लोग मतलब आ जाएंगे और थर्सडे को दे देंगे ऑनलाइन, जिसमें जो भी करना हो. मैम आप थर्सडे को भी प्लीज एक दिन रख लें, ताकि हम इजिली उस दिन भी दे दें. ठीक है ऐसा करो. एक तो मैंने कर लें, ताकि जिसने जिस डे पे वो उस टाइम ऑनलाइन आ सके. हाँ ये जो है आप लोग खुद डिसाइड कर लो, सॉर्ट आउट करके मुझे जो है वो मेल कर देना लिस्ट. और ट्यूसडे वेंसडे और थर्सडे ये तीन दिन है आप लोगों के पास. ठीक है डेज के ये मैं लास्ट ये मैं फाइनल बता रही हूँ. ये मैं फाइनल बता रही हूँ, एक दफा आप मेरी सुन लो. ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे. ठीक है थर्सडे को अगर कोई ऑन कैंपस देना चाह रहा है तो वो आ सकता है, वरना जो है 29th और 30th को जो है वो आपकी ऑनलाइन शाम को मैं प्रेजेंटेशंस लूंगी. और जिसने ट्यूसडे को देनी है वो ट्यूसडे साथ मेंशन कर दे और डेट मेंशन कर दे, और जिसने वेंसडे को देनी है वो वेंसडे का मेंशन कर दे. ठीक है मैम. मैं ठीक है बेटा अब क्लियर है. अब तो नहीं कोई मसला किसी को है. जी बेटा पूछो. मैम जो ऑनलाइन बच्चे देंगे प्रेजेंटेशंस तो हम लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने परफॉर्मेंस फिल करने हैं. बिल्कुल कर सकते हो. ठीक है मैम. ओके मैम. ओके मैम. अच्छा और वो बच्चा कौन था जो मुझे हाँ ये मुझे अभी याद आ गया, वो बच्चा कौन था जो मुझे कह रहा था कि केस स्टडीज मैम ने हमें दी थी, कौन था वो? मैम वो पिछले सेमेस्टर में हमें दी थी मैम अक्सा ने. अच्छा मैम अक्सा ने तो आपको केस स्टडीज दे दी, लेकिन ये आपको केस स्टडी नहीं लग रही कि अगर जो कोई प्रेजेंटेशन से आप ले रहे हैं? यस मैम ये भी सेम ही है. हाँ मैम जी टोटल कितने परफॉर्मेंस फिल करने हैं आप लोग क्या गेस? उसमें 30 है. 30 मैम 10 है. जो आपका हॉस्पिटल विजिट है तो 17th मुझे लगता है कि आप लोगों का ना ये उसमें ईद की छुट्टियों में जो है वो साथ ही चला जाएगा. मैम हज की छुट्टियों में आ रही है 17. हाँ ना तो वही कह रही हूँ ना. 17th से अगर मतलब एक्सपेक्टेड तो 18th से है, क्योंकि डेट जो ईद की है वो 19th और 20th आ रही थी नेट पे. तो ऑब्वियसली वो वाला हफ्ता तो आपका छुट्टियों में जाएगा और वाइवा के साथ आपने अपनी लॉग बुक लेकर आनी है. प्रेजेंटेशन अब हमारी फाइनल हो गई हैं और केस स्टडीज जो है वो जिन्होंने ज्वाइन करना है वो करें, और कॉपियाँ नहीं करने की कोशिश करनी आप लोगों ने. मैम अपने परफॉर्मेंस खुद फिल करना. जी बटे आप क्या कह रहे हो?
10 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे. 10 10 20 कर मैम. मैंने एक और चीज पूछनी है. जी बेटे. मैम आप वाइवा कब लेंगे, मिड्स के बाद या ईद के बाद? ईद के बाद, जब आपके मिड्स खत्म होने ना, उसके फौरन बाद ईद की छुट्टियां आ रही हैं. 17th को आप लोगों का लास्ट है पेपर. यस मैम, ऑलमोस्ट 17 का 16 का बनता है हमारा. हां जी, मतलब पूरी यूनिवर्सिटी के जैसे वो जो डेट शीट आई थी उसमें 17th आ रहा था लास्ट, तो फिर ईद की छुट्टियां आएंगी और उसके बाद आपका वाइवा और लॉग बुक जो है वो इकट्ठा हो जाएगा काम. ठीक है? ओके मैम, थैंक यू. यस मैम. मैम हम जी बेटे पूछो. मैम मैं क्या कह रहे हैं, हमने टॉपिक के अंदर वो टॉपिक के अंदर आप किसने टॉपिक चेंज करना है? मैम सना ने. सना अभी है क्लास में? पता नहीं मैम, उसका मैसेज नहीं आया मुझे. नहीं, टॉपिक नहीं चेंज होगा, जिनके सेम है बस वो उसमें सिम्टम्स अपने ऐड करें. अब यही थोड़ी करते रहना है, आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे ना ही किसी बात पे फाइनल हो रहे हो, तो इसके अलावा नहीं होगा. बस टॉपिक्स वही, सिम्टम्स जो है वो ऐड करो. और नहीं है तो वो ऐड नहीं करेंगे. क्या क्या कह रहे हो बेटे? आपने कहा वो सिम्टम्स ऐड करें, तो मैम जिनके सेम नहीं है तो उनको भी तो डालनी पड़ेंगे, क्योंकि हमारी प्रेजेंटेशन बेस ही सिम्टम्स से करती है. बेस तो सिम्टम्स पे करती है, लेकिन जो सेम है उसको आइडेंटिफाई कर दो, ताकि मैं देख लूँ कि आप लोग जो है वो क्वेश्चनिंग उससे रेलेवेंट कर रहे हो या नहीं. ठीक है? अब जिसको अगर सपोज कोई जो है वो ले रहा है, कह लो कि अकेली हाइपरटेंशन ले रहा है, ठीक है, तो आप उससे सिम्टम्स से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए कि सिम्टम्स क्या हैं और आपने उससे क्वेश्चंस किस चीज़ के करने हैं. ठीक है? अगर कोई हाइपरटेंसिव है तो उसको जो है वो वॉमिटिंग भी हो सकती है, हेडेक भी हो सकता है, हो सकता क्या बल्कि होता है. ठीक है? तो ये वाली चीज़ें जो है फिर उससे रिलेटेड आप उससे क्वेश्चनिंग करोगे. ठीक हो गया? यस मैम. मैं सिम्टम्स का इसीलिए कह रही हूँ कि जो मतलब अगर तो दो से ज़्यादा या कह लो कि एक से ज़्यादा के पास अगर सेम डिजीज़ है तो वो उसको स्पेसिफाई कर दे कि वो किस उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है वो क्वेश्चनिंग करेगा. जिसकी अगर बल्कि ये तो अच्छी बात है ना कि जिसका अगर ओपन एंडेड है तो उसको ये आसानी होगी कि वो सिम्टम्स उससे एसोसिएटेड सारे पूछेगा और बल्कि उसकी थोड़ी सी लंबी भी जाएगी. ठीक हो गया? अब तो नहीं कोई मसला किसी को? नहीं मैम. ठीक है. अच्छा, अब मैं आपको जो है वो उसकी दिखा देती हूँ. जी कौन बोला था अभी? मैम थर्सडे को ऑन कैंपस है, वेडनेसडे को ऑनलाइन होगी प्रेजेंटेशन. जी जी. और मैम टाइम क्या आप रखेंगी? ऑनलाइन का तो ऑन कैंपस थर्सडे मेरा फ्री है, तो आप लोग जो है वो फाइनल करके मुझे बता दो तो फिर जो है आप उसी टाइमिंग में हो जाएगा. मैम आप मुझे टाइम बता देना, बच्चे तो फिर इस तरह से बहुत सारा टाइम बताएंगे. मैम ऑनलाइन का भी टाइम बता दें आप. ऑनलाइन का तो शाम में ही होगा, क्योंकि मैं ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी से लेट वापस आती हूँ, तो आपका जो है वो 6:30 ही होगा टाइम ऑनलाइन का, और ऑन कैंपस के लिए जो है वो 10 ऑनवर्ड्स. ठीक है? ओके. लेकिन जिन्होंने जो है वो कैंपस पे देनी है वो 10 बजे सारे आ जाएं, और मैं आप लोगों को रूम नंबर भी जो है वो पूछकर फाइनल जो है वो मेल में बता दूंगी. मैम आप प्लीज बता देंगी कि आप वेडनेसडे को जब ऑनलाइन लेंगी तो मैक्सिमम शाम कितने बजे का टाइम होगा? बेटे ऑनलाइन का टाइम 6:30 है और ऑन कैंपस का 10 ऑनवर्ड्स है, लेकिन अगर जो है वो ये चीज़ रूम की अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करती है, तो फिर मैं आप लोगों को जो है वो मेल में बता दूंगी रूम नंबर. जी मैम, ठीक है, थैंक यू. ओके मैम. नूर बच्चे आपने जो वो लिस्ट बनानी है ना उसमें ये टाइमिंग्स भी मेंशन कर देना प्लीज. थैंक यू. इसमें जो है अब अगर कोई एनीमिक होता है तो उसकी जो है पहले
पहले नेल बेड जो है वो इस तरह से होगा कि लाइट जो है वो टोन वाइटिश की तरफ होगी, अगर स्वेयर होता है तो उसमें जो है वो डिफरेंस आप देख सकते हो कि नियर टू वाइट होता है, ठीक है। नॉर्मल कलर जो है वो पिंकिश होता है उसका, नेल बेड का कलर, ठीक है। इसमें जो है नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कोइलोनाइकिया आ जाता है। इसमें जो है स्पून शेप होती है नेल्स की और इस तरह से जो है वो अंदर की तरफ बेंड हुआ होता है नेल। उसके बाद क्लबिंग आ जाती है। क्लबिंग में भी जो है, अच्छा अब है ये भी स्पून शेप, इसको भी जो है हम स्पून शेप्ड ही बोलेंगे, ठीक है। वो अब स्पून चाहे आप ऊपर वाली साइड से देख लो या नीचे वाली साइड से रहेगा तो वो स्पून ही ना, तो ऑब्वियसली जो है वो इसमें इन दोनों को स्पून शेप कहा जाता है। लेकिन आगे जो इसकी स्पेसिफिकेशन है क्लबिंग की, आप इस तरह से इसको आइडेंटिफाई करते हो कि जो नॉर्मल होता है उसमें ये वाली जो है वो सेंटर में स्पेस होती है, जब आप दो मिडल फिंगर्स को ज्वाइन करते हो इस तरह नेल टू नेल, तो उसमें जो है ये जैसे आपको इधर लेफ्ट साइड वाली पिक्चर पे नज़र आ रहा है कि थोड़ी सी स्पेस है, इसमें स्पेस होती है नॉर्मल में, और जो क्लबिंग वाली होती है उसमें जो है वो कोई स्पेस नहीं होती। उसके बाद आ जाता है स्प्लिंटर हेमोरेज। इसमें जो है वो लाइंस होती हैं इस तरह से ब्लैकिश सी, जैसे इसमें ये आपको नज़र आ रहा है, और वो ऐसे ब्लड के कलर की होती हैं, लाइक मोर टूवर्ड्स ब्लैकिश होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ल्यूकोनाइकिया आ जाता है हमारे पास, जिसको हम जो है वो मोस्ट कॉमनली कहते हैं कि ओ ये वाइट अगर आपके निशान आ रहा है तो ये तो आपकी कैल्शियम की डिफिशेंसी है, लेकिन जो है वो इस कंडीशन का नाम है ल्यूकोनाइकिया। उसके बाद आ जाती है जी पिटिंग। पिटिंग में जो है इस तरह से जैसे गड्ढे बने हुए होते हैं किसी चीज़ में, इस तरह से जो है वो नेल्स के ऊपर होता है। सॉरी क्या कह रहे हो बेटे? फंगस इन्फेक्शन जो होता है नेल्स पे? नहीं नहीं, फंगस इन्फेक्शन नहीं, ये जो उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन है ना वो बता रही हूँ कि उसके लिए टर्म्स किस कौन सी यूज होती हैं अगर इस तरह की उसकी फिजिकल अपीयरेंस होगी तो, ये सिर्फ वो चीज है ताकि आप लोगों को एक क्लियर आइडिया हो जाए। वो बाकी चीज़ें जो टर्म्स वगैरह जो दूसरी हैं वो तो आपको खैर याद ही करनी पड़ेंगी इसमें, लेकिन जो है वो मैं आपको दिखा रही थी कि आपको क्लियर आइडिया हो जाए इसका, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आ जाता है हमारे पास ऑस्लर नोड्स। ये जो है अगर तो कोई इन्फेक्टिव डिसऑर्डर होता है उसकी वजह से जो है ये मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के सेंटर में इस तरह से ये डेड स्किन का जो है वो एक लंप सा बन जाता है जिसके ऊपर इन्होंने ये एरो किया हुआ है। तो इसकी जो है ये कोई भी इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि पेशेंट में जो है वो कोई इन्फेक्शन है या कोई हार्ट डिजीज़ है, तो ये उस चीज़ का जो है वो विजिबल साइन होता है। उसके बाद हेबर्डन्स नोड्स आ जाता है। ये जो जॉइंट्स की डिफॉर्मिटी होती है ये उसकी फर्दर उसको कैटेगराइज इन्होंने किया हुआ है। इसमें जो है वो जो डिस्टल एंड्स होते हैं फिंगर जॉइंट का, उसके ऊपर जो है वो स्वेलिंग हो जाती है। जैसे आपको ये नेल्स के पास जो जॉइंट है सबसे एंड वाला, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये जैसे इसकी स्वेलिंग हुई हुई है, तो इस तरह से जो है वो जॉइंट्स में हो जाता है। उसके बाद इंटीरियर सबलुगेशन है। ये जो है जब आपकी अल्नर, इसको डिफॉर्मिटी कहते हैं, इसमें जो है वो अल्नर बोन जो होती है उसका एंगल जो है वो जब डिस्टर्ब होता है या ख़राब होता है या किसी एक्सीडेंट की वजह से या रूमेटाइड आर्थराइटिस की वजह से, तो उसकी जो है वो हैंड की जो डायरेक्शन होती है वो इस तरह से डी शेप हो जाता है हैंड, ठीक है। उसके बाद स्वान नेक, ये भी जो है उसी की जो है वो बोन्स डिफॉर्मिटी या जॉइंट्स डिफॉर्मिटी की जो है सब कैटेगरी है। इसमें जो है वो फिंगर्स, या तो हो सकता है कि ये सारी फिंगर्स में इस तरह से जो है वो स्वान नेक वाली जो है वो शेप हो, या हो सकता है कि किसी एक में जो है ये ऑब्जर्व की जाती है। ऑब्वियसली जब ये इसका स्वेयर होगा, जॉइंट का इशू जो है वो स्वेयर होता है, तो उसमें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सारे आपके जॉइंट्स जो हैं वो उसके ऊपर जो है वो विजिबल हो जाता है, उसका इम्पैक्ट या साइड इफेक्ट कह लो जो भी। उसके बाद आ जाता है जी बटन होल। बटन होल भी जो है वो मिडल फिंगर और रिंग फिंगर में ज़्यादा कॉमन होता है। इसमें जो है किसी इंजरी की वजह से या जो है वो किसी जॉइंट डिसऑर्डर की वजह से जो है वो फिंगर का जो मिडल जॉइंट होता है
उसके जो है वो मसल्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं या जॉइंट जो है वो डी शेप हो जाता है या डी फॉर्म हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है वो इस तरह से उसकी बटन होल शेप बन जाती है। ठीक है, ये फिर अगर पेशेंट हाथ सीधा भी रखेगा तो वो ऑब्वियसली उसकी वो बटन शेप में जो है वो सेंटर में स्पेस रहेगी, तो इसलिए इसका जो है वो बटन होल उससे रिलेटेड इसका नाम है। उसके बाद है जी जी डिफॉर्मिटी, इसमें जो है ये भी जो है उसी में आती है जिसको जॉइंट्स का कोई प्रॉब्लम हो या जॉइंट पेन का इशू हो, आर्थराइटिस हो, उसमें जो है वो थंब जो है वो स्वेयरली जो है वो उसका इम्पैक्ट होता है उसके ऊपर, इसकी जो है वो परमानेंट इस तरह से जी शेप हो जाती है जॉइंट की, जो थंब जॉइंट होता है। उसके बाद एक आ जाती है एरेक्नो डेक्टाइल, उसके बाद इसमें जो है एक्सट्रीमली थिन और लॉन्ग जो है हाथों की जो शेप होती है एक्सट्रीमली लॉन्ग और थिन होती है, और जो फिंगर्स होती हैं वो इस तरह से जो है वो एबनॉर्मल उसकी जो है वो लेंथ होती है फिंगर्स की। ठीक है, फिर उसके बाद पाम्स आ जाती हैं, ये हम जब साइनोसिस और वो चीज़ें पढ़ रहे थे उसमें जो है वो मैंने आपको बताया था कि पेलर जो है वो इस तरह से येलो जो है वो पाम्स हो जाती हैं, या जो है वो स्क्लेरा जो है वो अगर जॉन्डिस है तो उसमें जो है वो जी है ना मैम, वो डॉक्टर के पास जाना है, कैंडस लगा दे। ओके बेटा, जज़ाकला मैम। इसमें जो है आप देख सकते हो कि जैसे नेल्स का था इसी तरह से जो है पाम का भी कलर डिफरेंस जो है वो आपको नजर आ रहा है कि कितना वो उसमें क्लियर डिफरेंस है, कि अगर कोई स्वेयर एनेमिक है तो उसमें जो है वो बिल्कुल वाइटिश सा जो कलर है वो हो जाता है। अच्छा, एक और पॉइंट जो मैं आपको बताना भूल गई, इसमें ये अगर तो जो है एनीमिया प्रोलॉन्ग करता है तो उसमें जो है ये मोस्ट कॉमनली देखी जाती है। वैसे तो ऑब्वियसली ये फिजिकल उसके कह लो कि अपेयरेंस का इम्पेक्ट होता है, तो इससे जो है वो आप जब चीज़ें जो है वो नोट डाउन करते हो तो इसको जो है फिर वो एसोसिएटेड डिजीज के साथ जो है वो लिंक किया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है ड्यूपाइट्रेंस कॉन्ट्रेक्चर। ठीक है, इसमें जो है थंब से जो है डिस्टेंस पे जो फिंगर्स होती हैं, जो कि आप इसको पिंकी फिंगर बोलते हो और रिंग फिंगर बोलते हो इसके, और जो पाम के इधर इस वाली साइड पे जो मसल होता है उसकी आपस में जो है वो नॉट लग जाती है, तो उसमें जो है ये परमानेंट जो है वो इसकी डिफॉर्मिटी हो जाती है मसल की। ठीक है, उसकी वजह से जो है वो फिंगर की इनवर्ड मूवमेंट हो जाती है और जो है वो वहीं पर स्टिफ हो जाती है फिर। लेकिन वैसे ये सर्जरी या जो है वो फिजियोथेरेपी के थ्रू जो है वो इसको रिकवर किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास पफिनेस। अब जैसे हम एडिमा का वो पढ़ रहे थे कि जो है फ्लूइड रिटेंशन होती है तो एडिमा होता है, इसी तरह से जो है आईज के इर्द गिर्द भी अगर पफिनेस होती है तो ये भी इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि फ्लूइड रिटेंशन हो रही है। पफिनेस आ गया, फिर उसके बाद आ जाता है प्रोप्टोसिस। प्रोप्टोसिस में जो है बल्जिंग आईज होती हैं और इस तरह से जो है अच्छा, अब इसमें आईलिड की जो है वो लैगिंग भी हो सकती है। उसमें जो है हम ये देखते हैं कि पेशेंट के फ्रंट से और साइड से हम देखते हैं कि जो कॉर्निया वाला पार्ट है उस वो लाइक जिसको आप ये लेंस बोल रहे हो, इसकी जो कह लो कि जो ट्रांसपेरेंट ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना इसके ऊपर, उसको जो है वो आपके आईलिड्स लोअर और अपर जो है वो उसको कवर कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उस इस तरह से इसकी कंडीशन होती है जैसे इस पिक्चर में है कि वो विजिबल होता है पूरा का पूरा। ठीक है, अब ये जैसे नीचे से भी इसका जो है वो वाइट पार्ट नजर आ रहा है और ऊपर से भी बहुत ज्यादा वाइट पार्ट नजर आ रहा है, तो अगर आप नॉर्मल आई में देखो तो ये चीज नहीं नजर आती। उसके बाद आ जाता है जी जेंथलेसमस। इसमें जो है
या तो जिन लोगों की लिपिड प्रोफाइल जो है वो डिस्टर्ब होती है या हाइपरलिपिडीमिया होता है, उनमें जो है आईलिड्स के ऊपर ये इस तरह से लिपिड के या फैट्स के कह लो पाउचेस बन जाते हैं छोटे छोटे, तो उसको जो है हम ये जो है इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि हाइपर लिपिडीमिया हो सकता है पेशेंट को, या जो है ये ओल्डर एज में कह लो या एजिंग का साइन होता है, जो जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है उसमें भी जो है ये इस तरह के लिपिड के पाउच बन जाते हैं। ठीक है, ये थी जी आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन, और अब मैंने आप लोगों को जो है वो इसके साथ तो थोड़ी बहुत जो है वो डिटेल भी बता दी है। तो इसमें जो है वाइवा में आपको जो है वो पिक्चर आइडेंटिफिकेशन के लिए भी जो है वो कहा जा सकता है, और उसको जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसमें साथ थोड़ा सा, तो आपने जो है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन उस तरह से बतानी है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। अच्छा, एक बात और मैंने, जी जी मैं भेज देती हूँ, एक बात और मैंने आप लोगों से करनी थी। एक सेकंड मैं सोच लूँ, मैं फिर आप लोगों को बताती हूँ। ओके मैम। हाँ, जो बात मैंने करनी थी थायराइड वाली वीडियो जिस बच्चे ने पूरी देखी है वो जल्दी से जो है ना उसको थोड़ा सा बस एक्सप्लेन कर दे के आइडिया हो जाए जल्दी से, फिर आप लोग फ्री हो और मैं भी फ्री हूँ। चलो जल्दी से बता दो, बस एक जनरल सा आइडिया देना है कि आपने जो है वो लिम्फ नोड्स को जो है वो किस तरह से आपने आइडेंटिफाई करना है या क्या उसके साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, इस तरह से जैसे मैंने अभी आपको इसका थोड़ा बहुत गाइड किया। हाँ जी, कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बताओ वरना जो है नेक्स्ट क्लास भी आप लोगों की ना इसी में चली जानी है, तो मैं चाह रही हूँ कि आज आपका जो है ये कोर्स ख़त्म हो जाए, मुझे भी बल्कि एक्सप्लेन करो, चलो जल्दी से। मैम मैं बताऊं? हाँ जरूर बताओ। सो मैम, लिम्फ नोड्स स्मॉल स्वेलिंग्स होती हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम्स में, जहाँ हमारे लिम्फेटिक सिम्टम्स में जहाँ फिल्टर्ड होते हैं लिम्फ आके, वहाँ पे ये स्वेलिंग्स हो जाती हैं, वहाँ नोड्स बन जाते हैं, और ये आर्मपिट्स में भी हो सकते हैं, ग्रोइन एरिया में भी हो सकते हैं, बिटवीन द लंग्स भी हो सकते हैं। ये इतने ज्यादा स्वेल हो जाएंगे कि ये पैल्पेबल हो जाएंगे और फिर ये प्रॉब्लम कॉज करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, और कोई? हाँ मैम, हेड नेक के इसकी लोकेशन ज्यादा होता है। हाँ ठीक है, और मैम मोस्ट कॉमन लोकेशन इसकी आर्मपिट्स में। ओके, और कोई पॉइंट? और कौन सी लोकेशन होती है मैम? ओरिकल में ईयर के आगे पीछे मैंडिबुलर इंग्विनल रीजन। ठीक है, और मैम ये ग्रुप्स की सूरत में प्रेजेंट हो सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और अगर जो है लाइक अगर आप उसको जो है वो पैल्पेबल है कोई अगर नोड, तो वो क्या किस चीज़ को इंडिकेट करता है? पैल्पेबल है, और दूसरा ये कि वो आप जब उसको टच करते हो तो एक कह लो कि स्लिप होने की जो है वो फील आती है, तो उस वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? मैलिग्नेंसी को इंडिकेट करता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और मैंने आप लोगों से, अच्छा आप लोगों को बाकी सारी चीजें क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी चीज में, या समझ आ गई है मेरी सारी चीजों की? जी मैम आ गई है। पक्की बात है, ये ना हो कि जब आप लोग वाइवा देने लोगो तो कहो मैम ने तो ये पढ़ाया ही नहीं था। मैम आप इजी सुनिएगा ना, फिर हम नहीं कहेंगे। अच्छा मैं तो इजी सुन लूंगी, तो वो जो एक्सटर्नल है उनको क्या कहोगे? हमारी मैम ने नहीं पढ़ाया, हमारी मैम ने हमसे आसान वाला लेना था इसलिए।
मैम हम आपका नाम रोशन करेंगे, अच्छे लफ्जों में रोशन करो ना तो भीड़ है, या ऐसा पता चले मेरे नाम के गेट जो है वो आप फेरी लाइट्स लगा कर ले आओ, मैम आपका नाम रोशन। नहीं मैम अच्छे लफ्जों में। सही है, अच्छा चलो ठीक है फिर, आप लोग अब फ्री हो और नूर बच्चे मुझे जो है वो डेज के साथ लिस्ट एक दफा जो है वो आप मुझे मेल कर देना, चाहे आज चाहे कल, जब भी आप ऑनलाइन ही और वेडनेसडे सबकी हो जाएगी एक दिन में। एमन बेटे आपकी जो है ना आवाज कट रही है, मुझे समझ नहीं आई आप क्या कह रहे हो। मैम वो कह रही है ज्यादा बच्चे ऑनलाइन है। यस वो सब बच्चों ने वेडनेसडे का नाम दिया। जी मैम सारे बच्चे ग्रुप में ऑनलाइन का ही कह रहे हैं सारे वेडनेसडे का, तो आप ऐसे करें कि ऑन कैंपस तो कम है मैम। मैम आप खुद से जो फर्स्ट लिस्ट में जो पहले थे उनको वेडनेसडे का कर दें, ट्यूसडे का कर दें और बाकियों को वेडनेसडे का कर दें खुद से। हाँ करूंगी तो मैं यही, क्योंकि जब भी ना मैं बच्चों को चॉइस दी जाती है ना तो वो समझते हैं कि बस अब तो सब कुछ हमारे हाथ में ही है, तो वो जिस बेचारी ने लिस्ट बनानी है उसको भी आप लोग जो है वो तंग करने वाले बच्चे तंग करेंगे, मैं सबको नहीं कह रही। तो अच्छा नूर बच्चे आप जो है ना मुझे लिस्ट फॉरवर्ड कर दो, तो ये जो ज्यादा वेंसडे वेंसडे का शोर मचा रहे हैं ना ये तो मैं सबसे पहले जो है वो एंड वाले जो बच्चे हैं ना उनको डालूंगी ना मैं ट्यूजडे पे। नहीं लिस्ट में जो मेरे पास है। अच्छा ठीक है चलो फिर मैं भी खुद ही आपकी जो है वो हाफ ऑफ कर देती हूँ। मैम यस मैम। हाँ जी बच्चे। मैम मेरा जनरल मसला है, मेरा वेडनेसडे को ही कीजिएगा, मेरा नाम महद महमूद कुरैशी है, क्योंकि मैं एक्चुअली साथ में कुछ और भी मैं कर रहा हूँ तो मेरा उसका भी एग्जाम है, तो इस वजह से मेरा जनरल मसला है, वरना मैं आपको पहले ही दे देता। ठीक है जी मैम। नूर बच्चे आप इनका नेम जो है वो नोट डाउन कर लो, इनको स्पेसिफिकली जो है वो वेंसडे में डाल देना, तो बाकी जो है वो फिर ट्यूसडे और थर्सडे को देंगे मुझे। यस मैम। और मैम मैंने आपसे पूछा था जिनका ऑन कैंपस होगी प्रेजेंटेशन वो हम उनके परफॉर्मेंस कैसे फिल करेंगे, उनकी रिकॉर्डिंग होगी? नहीं बच्चे उनकी रिकॉर्डिंग क्यों होगी, तो फिर मैम हम वो कैसे सॉल्व करेंगे उनके आप लोग पहले तो सबसे पहले तो ईमान आप मुझे खुद बताओ कि क्लास की स्ट्रेंथ क्या है। 100 अबव है। हां जी तो उसमें से आपकी 10 केस स्टडीज नहीं निकलेंगी? यस मैम निकलना ही। तो फिर जी मैम जो इतनी टेंशन किस बात की है? ओके मैम इसीलिए तो मैंने आप लोगों को शेयर कर दी थी। हाँ अगर ऑन कैंपस वाले की हुई रिकॉर्डिंग तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, वरना जो है आप लोग ऑनलाइन जो बच्चे दे रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो ऑनलाइन ही देना चाह रही है तो अच्छा। और आप लोगों ने वीडियो के साथ देनी है मुझे? नो मैम। तो मैम यस मैम मैम कहीं अपने घर में होगी एक स्टूडेंट दूसरे घर में, तो मैम कैसे करेंगे? मैं तो देखूंगी ना आप लोगों को, वरना मैं यही बुक का फर्स्ट चैप्टर ही ना दोबारा खुद ही पढ़ लूं। मैम आपने देख के क्या करना है? बच्चों आप लोगों ने अपने यही प्यारे प्यारे चेहरे लेकर जो है वो मिड्स के बाद आना है ऑन कैंपस, ठीक है, और यही प्यारे चेहरों के साथ आपने मुझे वाइवा देने भी आना है, लॉग बुक देने भी आना है, तो अब जो है ना मुझसे कोई आर्ग्यू ना करे, वीडियो के साथ करनी है प्रेजेंटेशन। हां जी मैम एक दफा प्लीज बस एक चीज क्लियर कर लें ताकि सबको एक दफा हो जाए, वो मैं आपसे ये पूछना था मैम जो ट्यूसडे और वेडनेसडे है ये दो डेज है हमारे ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के लिए, और जो थर्सडे है वो ऑन कैंपस, ठीक है ना मैम? जी जी ऐसे ही ऐसे ही है ना? जी जी मैम आज वाले लेक्चर की भी रिकॉर्डिंग ठीक है मैम, थैंक यू, ठीक है भेज दूंगी। अच्छा अब क्लियर हो गया है, वीडियो के साथ मैंने आप लोगों की प्रेजेंटेशन लेनी है ट्यूसडे वेंसडे को आपकी ऑनलाइन होगी और 6:30 का टाइम है, और उसके अलावा थर्सडे को ऑन कैंपस वाले बच्चे मुझे देंगे प्रेजेंटेशन। यस मैम। ओके ऑलराइट। और 10 केस स्टडीज आप लोग जो हो वो प्रेजेंटेशन में से ही लोगे, और अटेंडेंस भी मैं जो है वो आपकी काउंट करूंगी मैम। जी जी ओके मैम। मैम मासूमा की बात सुन ले, वो बात करना चाह रही है। मुझे लगा बात कर ली है। हाँ जी मासूमा बोले। मैम मैंने कुछ नहीं करना।
मैम अक्टर सिकवाल की अटेंडेंस लगा दीजिएगा उनका नेट इशू। अच्छा जी लगा दूंगी। मैम जाएं? हाँ जी कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। मैम इफ्जा कह रही थी कि आप प्यारे चेहरे हमारे मिर्च के बाद देख ले। मिर्च के बाद देख लूं क्यों भाई? मैम हमें एक्चुअली ना कैमरा कॉम्प्लेक्स है। पता नहीं मैम वो तो मुझे भी है। यस मैम हमें बड़ी शर्म आती है। मैम आप हमें ज्यादा समझेंगी। तो मैं भी अपनी वीडियो ऑन कर लूंगी, आप लोग मुझे देखना, मैं आप लोगों को देखूंगी। नहीं मैं ये ठीक है मैम। देखो भाई जिसने भी आना है ना वो देखो अभी वीकेंड है सिलोन से हो और जिसने होकर आना है तो मैंने जो है ना प्रेजेंटेशन आप लोगों की वीडियो के साथ ही लेनी है। ठीक है मैम हमारी शक्लें नहीं ठीक सिलोन से भी नहीं ठीक। कोई बात नहीं फिर क्या हुआ। देखो घर वालों ने भी हमें एक्सेप्ट कर ही लिया ना, मैं भी कर लूंगी, कोई मसला नहीं है। यस मैम बहुत मुश्किल मैम। हाँ जी मैम घर वालों की तो मजबूरी है ना। मेरी भी मजबूरी है मुझे आप लोग मिले हो। मैम बाकी बच्चों की क्या मजबूरी है जो हमें देखेंगे? वो ना देखें जिन्होंने नहीं देखना, मैंने तो देखना है। कैमरा ऑन होता है तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता। मैम हम मार्क्स कह रहे हैं मिड्स के बाद देख लीजिएगा। फिर मिड्स के बाद मैं सबकी ऑन कैंपस लूंगी, सोच लो। मैम ले ले मैम आप ये ले मैम। मैम बात जी हां वो ही तो मैं कह रही हूं, बात तो एक ही है। मैम आप देखना चाहती हैं जरूर। मैम मिड्स थोड़े टाइम बाद वाइवा स्टार्ट हो जाना है फिर इन सब ने वाइवा का बोला। जी एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट था, इसीलिए मैं चाह रही थी कि आप लोगों की पहले ही हो जाए ताकि एंड पे जो है वो आपकी लॉग बुक्स और वो रहे। कैमरा ऑन ना करवाएं प्लीज। और ये ना हो के दिखा देंगे सब कह रहे थे ईद की छुट्टियों में जो है वो दिल दिल में मुझे गालियां पड़ी हूं कि मैम ने वाइवा भी रख लिया है इसके बाद प्रेजेंटेशन। मैम हम आपसे इतना प्यार करते हैं। मैम नहीं ऐसी बात नहीं। अच्छा चलो बस ठीक है फिर आप लोग जो है वो मुझे कैमरा ऑन करके जो है नहीं कर रहे कैमरा ऑन करके प्लीज। ठीक है ना मैं चाहती हूँ कि वाइवा वाले के मैम आप लोगों की डरी हुई शक्लें ना देखूं, मैं पहले थोड़ी अच्छी वाली भी देख मैम। ओके मैम हम लोग मैम मासूमा कह रही है हम लोग मास्क पहन सकते हैं ना? हाँ जी जी पहन ले आप मास्क पहन ले मासूमा, प्रिंटेड अच्छा सा मास्क पहन ले आप मैम, फिर कोई मसला नहीं है। ठीक है चलो ओके बच्चों अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ मैम।